सत श्री अकाल किसान वीरों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल गुरु में। आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, जो गन्ने में रोग लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, पोका बोइंग कह लें और टॉप बोरर और एक शूट बोरर भी होता है और रूट बोरर, जितने भी रोग हैं ये ऐसे रोग हैं भाइयों जो गन्ने को पूरी तरीके से फसल को नष्ट कर देते हैं, इतने भयंकर रोग कह लें। और भाइयों, आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक दो दवाइयों के बारे में, आप लोग प्रयोग करेंगे किसी प्रकार का जो रोग होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो आपका गन्ना है वो भी अच्छा मोटा और लंबा होगा। तो पहले मैं आपको इसकी पहचान करवाता हूँ, इस वीडियो में रोग दिखाता हूँ। वीडियो में आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत भाइयों, तभी पूरी जानकारी प्राप्त हो पाती है। जब हम वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं तो जानकारी पूरी प्राप्त नहीं होती भाइयों। तो आप लोग वीडियो को देखते जाएँ, मैं दवा भी बताऊँगा और उपयोग करने का तरीका और कितना प्रयोग करना है, एक एकड़ की मात्रा बताऊँगा मैं। जितने भी रोग होंगे वो दूर तो होंगे ही होंगे और गन्ना भी आपका बहुत ही अच्छा होगा और गन्ने की मतलब जो भी ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। तो भाइयों फटाफट चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, पास वाली घंटी को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आप गन्ना देख पा रहे हैं, इस गन्ने से अगर प्रारंभिक समय में, अगर इसकी बुआई के समय अगर प्रयोग किया जाए तो ये रोग नहीं आते हैं, लेकिन कई किसान भाई बुआई के समय थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो रोग मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये बहुत ही जल्दी गन्ने में जून से स्टार्ट हो जाते हैं भाइयों। तो मैं चलता हूँ, गन्ने की वैसे हाइट बहुत काफ़ी हो चुकी है, जो एक कैमरा ऊपर लेके जाना बहुत ही एक मुश्किल काम है। अभी देख सकते हैं गन्ने की हाइट बहुत काफ़ी है, मेरे से भी चार तीन ढाई तीन फुट ऊपर है, चार फुट कह लें, चार फुट ऊपर है गन्ना, पाँच फुट मेरे सर के ऊपर से भी। तो चलिए मैं वैसे दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह टॉप बॉर्डर की है, पहचान कर लीजिए, पत्ती गलने लगती है और पत्ती गिर जाती है भाइयों, देख सकते हैं। इस प्रकार से ये गन्ने की बढ़वार भी रोक देता है और गन्ने की हाइट नहीं हो पाती है, बस गन्ना इतने पे रुक जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, एक एकड़ की मात्रा नोट करें जो आपको प्रयोग करना है, लेवेंडा साइलोथ्रीन, ये 5% ईसी की आती है, 5% की, और लेवेंडा साइलोथ्रीन आती है। और आपको इसमें और एक मिक्स करना है कार्बेंडाजाइम जो आती है मैंकोजेफ, वो आपकी 12% और 63% की होगी, मैंकोजेफ वो कार्बेंडाजाइम, और इसके साथ में आपको लेना है लेवेंडा साइलोथ्रीन। अभी कुछ किसान भाइयों ने लेवेंडा साइलोथ्रीन की जगह पे प्रयोग किया था कापर ऑक्सी क्लोराइड का, तो उसका कुछ पूरा रिजल्ट मिल नहीं पाया कई किसान भाइयों को। तो मैंने लेवेंडा साइलोथ्रीन का प्रयोग किया था कुछ मतलब इसको देखने के लिए, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया भाइयों। अब इसका मैंने डेमो भी किया था तो इसलिए मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश भी की आप लोगों को। तो भाइयों लाइक करके जाइएगा, एक लाइक तो बनती है भाइयों, अब तो दोनों को मिला के कम से कम 350 लीटर पानी होना चाहिए एक एकड़ के लिए, और स्प्रे कर दें। इससे आपका जितना भी बीमारियां गन्ने में रोग होंगे भाइयों जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और गन्ना आपका स्वस्थ हो जाएगा और गन्ना हरा भरा हो जाएगा, किसी प्रकार का रोग आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। तो भाइयों आप लोगों को ये जो मैंने बताई इसका प्रयोग कर दें फटाफट, बहुत सही समय चल रहा है वैसे तो। और मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को